हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वेट देख लेते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती हैं। जिस तरह मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। आप जानते होंगे और आप सभी को सम्मान दिया करिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी एक अहमियत जरूर रखता है। इसी के साथ शुरू कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, आइसलैंड के पुनः से राष्ट्रपति किसे बनाया गया, और यह बनाया गया है गुडनी जोहानसन। गुडनी जोहानसन जी को बनाया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, और यह शुरू किया है मध्य प्रदेश द्वारा। किरण रिजिजू द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, 1 जुलाई को दिवस मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, और साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के साथ ही कुछ 2 दिवस और मनाए गए, जैसे आपका मनाया गया नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। इसी के साथ ही गीता नागभूषण, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और ये एक उपन्यासकारा थी। स्वैगी ने जो है एक डिजिटल स्वैगी मनी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, और जो कि एक पेमेंट ऐप है, और इस ऐप को जो है इन्होंने इस ऐप को लॉन्च करने के लिए ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। PC महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यह सम्मानित किया गया सी रंगराजन, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं, और ये पुरस्कार 2020 से ही शुरू किया गया है, तो इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। और हमारा कल का क्वेश्चन था, विधान चंद्र रॉय जी को भारत रत्न किस वर्ष मिला, और यह मिला है 1961 में। 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका जवाब हमें दिया सबसे, हमारे साथ ऐसे ही नियमित बने रहे। इसी के साथ अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। और आपने यदि करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। ICC के पद अध्यक्ष पद पर से किसी ने इस्तीफा दिया है, और आप जानते ही होंगे ICC के हेड थे शशांक मनोहर जी, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, और इनका कार्यकाल भी पूर्ण होने वाला था, लेकिन कार्यकाल पूर्ण होने के 1 हफ्ते पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण इन्होंने बताया कि ये तीसरा कार्यकाल तक नहीं रहना चाह रहे थे, इसी के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालाँकि नियम तो जो है कि 3 कार्यकाल तक अधिकतम एक अध्यक्ष रह सकता है एक ही व्यक्ति, लेकिन उन्हें जो है नहीं रहना था तीसरे कार्यकाल के लिए, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शशांक मनोहर जी की बात करें तो शशांक मनोहर जी के जो है आपके सन 2008 से 2011 तक BCCI के अध्यक्ष रहे, और इसी के बाद एक बार और BCCI के अध्यक्ष बने 2015 से 2016 के बीच, और 2016 में जब BCCI अध्यक्ष थे तभी इनको चुन लिया गया था ICC अध्यक्ष पद के लिए, और तभी से ये ICC अध्यक्ष पद में हर 2 साल 16 से 17 18 2 साल, और अगले कार्यकाल के लिए अगले 2 साल के लिए 19 तक इन्हें 2 कार्यकाल के लिए चुन लिया गया था। इसके बाद जो है बात करें कि इनकी जगह आप किसी के नियुक्त किया गया है, इन्हें इनकी जगह जो है उपाध्यक्ष, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा जी, इनको जो है नियुक्त किया गया है, जो कि सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इनको जो है अतिरिक्त पद प्रभार दिया है इस पद का भी। अब जान लेते हैं ICC के बारे में। ICC की स्थापना जो है वो हुई थी 1909 में, और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, और यहाँ की वर्तमान में CEO हैं मनु साहनी जी। और ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं राहुल द्रविड़ जी। इन्हें हाल ही में विजडन इंडिया का एक पोल हुआ, जिसके अंतर्गत जो है महान टेस्ट प्लेयर बल्लेबाज का खिताब भी मिला था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, और यह अध्यक्ष बनाया गया है आपका श्रीकांत माधव बेद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि संजीव सिंह जी की जगह लेंगे, और संजीव सिंह जी रिटायर हो गए हैं 30 जून को, उनकी जगह इनको बनाया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है 1959 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में बनाया गया। इसी के बाद जो है कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देख लेते हैं, जैसे संजय द्विवेदी जी,
संजय द्विवेदी जी को जो है आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक बनाया गया है, जो कि साथ ही चेन्नई पेट्रोलियम के अध्यक्ष भी का पद भी संभालेंगे। और वर्तमान में यह कहाँ थे, वर्तमान में यह माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार थे भोपाल में। इसी के साथ ही आप देख लेते हैं रविंदर भाकर जी के बारे में बताएं तो इन्हें जो है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ बनाया गया है, जिसे सीबीएफसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके सीईओ बनाया गया है वर्तमान में, और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में प्रसून जोशी जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और यह जो है वर्तमान में रविंदर भाकर जी अनुराग श्रीवास्तव जी की जगह लेंगे इसके सीईओ के रूप में। और देख लेते हैं आपके श्रीकांत माधव वेद, जिनके बारे में आपको बता ही दिया गया है। इंद्राणी पांडे जी को जो है भारत की स्थायी राजदूत बनाई गई संयुक्त राष्ट्र के लिए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत बनाई गई है, जो कि राजीव के चंद्र जी की जगह लेंगी। वर्तमान में है विदेश मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव भी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 जून का कौन सा दिवस मनाया गया? 2 जून को दिवस मनाया गया विश्व पत्रकारिता खेल दिवस। विश्व में खेल पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। खेल मीडिया के प्रयासों को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसी के साथ एक और दिवस मनाया गया, इसे कहते हैं विश्व UFO दिवस। इसमें UFO का फुल फॉर्म यदि आपको बताऊँ तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और ये आसमान में अज्ञात वस्तुओं को देखने के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। सन 1947 की बात करें तो 1947 में जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, इसी पिक्चर में जो आपको दिख रही है, ये उड़न तस्तरी जैसी इस प्रकार का एक UFO देखा गया था। इसी के बाद से ही जो है कई जगह देखे गए, और इसके आज तक इसकी गुत्थी कुछ सुलझ नहीं पाई है। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस आपको कल ही बताया था, 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को मनाया जाता है विधान चंद्र रॉय जी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर। इसके साथ ही जो है इसकी थीम भी थी लेसन्स द मोर्टलिटी ऑफ COVID-19, यह इसकी थीम थी चिकित्सा दिवस की। और इसके साथ ही एक और दिवस मनाया गया था राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, डाक कर्मचारियों की सेवा के लिए। इसी के साथ अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। HDFC बैंक ने किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, ये ऐप लॉन्च किया है ई किसान धन नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के अंतर्गत जो है बैंकिंग व कृषि सेवाएं रहेंगी, और मंडी में फसलों की कीमत, नवीन खेती की जानकारी, मौसम, बीजों की किस्म के बारे में, किसान TV जैसी सुविधाएं रहेंगी। निष्कर्षता यदि बात करें तो बैंकिंग और कृषि दोनों सुविधाएँ एक ही ऐप में मिल जाएंगी। HDFC की बात कर लेते हैं तो HDFC की जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही, बहुत सारी बैंकों की तरह। और इसके वर्तमान में जो CEO हैं वो हैं आदित्य पुरी जी के CEO हैं। इसके साथ ही कुछ और ऐप दिख रहे होंगे आपको, जैसे ऑर्डर मी ऐप जो है पतंजलि ने लॉन्च किया है। लॉकडाउन के अंतर्गत जो है उत्पादों को बेचने के लिए जो है इस ऐप को लॉन्च किया है पतंजलि ने। और इसी के साथ कैचअप ऐप लॉन्च किया है फेसबुक के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के अंतर्गत जो है कॉलिंग ऐप है, जिस एक साथ 8 लोग कॉलिंग पर कर सकते हैं। ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया था CISF द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसी के साथ CISF की यदि बात करें तो एक राज्य है जो कि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक विशेष बल CISF जैसा बल बनाने जा रहा है, और ये राज्य है UP, ये भी हमने हाल ही में आपको बताया था। इसी के साथ अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डिजिटल द्वारा भारत में, ये डिजिटल नहीं होगा, ये होगा विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? और यह चुना गया, जिसे आप पिक्चर में देख ही पा रहे होंगे, रविंद्र जडेजा जी को शुरू चुना गया, जो कि सन 2009 से इन्होंने अपना करियर शुरू किया है और भारतीय ऑलराउंडर हैं। विश्व में यदि देखें, इनकी सूची के अनुसार देखें तो मुथैया मुरलीधरन जी को पहले स्थान पर रखा गया टेस्ट प्लेयर में सबसे अच्छे, और उसके बाद जो है रविंद्र जडेजा जी को रखा गया है। रोहित शर्मा जी की बात करें तो इन्हें हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसी फाइनेंस कंपनी का। और विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं, और सौरभ गांगुली जी जो हैं वो है BCCI के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे बनाया गया? और यह बनाया गया निगार जौहर। निगार जौहर जी को बनाया गया, जो कि इन्हें पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है, अर्थात यह सर्जन का कार्य करेंगी लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में। इसके अलावा यदि देखें तो सना मीर जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। इसके अलावा देखें तो आर श्रीलेखा जी, आर श्रीलेखा जी का संबंध जो है केरल से है, केरल की पहली आईपीएस रही हैं ये आर श्रीलेखा जी। और इसके अलावा यदि बात करें तो बिनी महाजन जी जो हैं पंजाब की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी हैं हाल ही में ही। और इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के जो पीएम है वो है इमरान खान यहाँ के पीएम हैं। और हाल ही में ही जो है राहुल देव यदि आपने नाम सुना हो, राहुल देव जो है एक हिंदू सिंध प्रांत से आते हैं और पहला हिंदू एयरफोर्स के पायलट बने थे, यहाँ की एयरफोर्स के पहले पायलट लेकिन हिंदू पाकिस्तान में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक्सेलरेट विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? और इसे शुरू किया है विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा, SERB द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो है अनुसंधानों के मंच के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा, वैज्ञानिक रिसर्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा, और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की और, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। जैसे ड्रीम केरल प्रोजेक्ट यह लॉन्च किया पिनरई विजयन जी ने आरिफ मोहम्मद यहाँ के राज्यपाल केरल के, और इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जैसे कि लॉकडाउन में जो विदेश में रहने वाले केरलवासी थे वो वापस आ गए थे, तो उनके पुनर्वास के लिए, उनको पुनः से उनके जीवन यापन को शुरू करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। चेस्ट एक्सरे इमेज विकसित की है IIT गांधीनगर द्वारा। इस इमेज में बेहतर क्या है? इस इमेज में बेहतर ये है कि आपको कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस को ये इमेज जो है कुछ लक्षणों को या आशंका को पता लगा सकती है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी द्वारा, कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस पीड़ित है या नहीं है। अगले पॉइंट की ओर चलें तो ई ग्रंथालय की सुविधा की उत्तराखंड द्वारा। इसके अंतर्गत छात्रों को लाइब्रेरी की मदद के लिए सभी विश्वविद्यालयों की पुस्तकों को एक साथ किया गया। इसके अंतर्गत 35 लाख पुस्तकें एक ही मंच पर आ गई हैं, और इसका उपभोग कर पाएंगे ढाई लाख से अधिक छात्र। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न रहा, रविंद्र भाकर जी को किस बोर्ड का CEO बनाया गया है? यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और लाइक कर सकते हैं यदि आपको हमारा कमेंट अफेयर अच्छा लगा है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।